दोस्तों आज हम अपने पिटारे से निकालेंगे 50 क्वेश्चन दोस्तों फ्लोरा और फौना के, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1985 के अंदर। भारत में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1985 के अंदर। बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों और इनको याद करते हुए चले दोस्तों क्वेश्चनों को। आगे, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था सन 2002 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों? सन 2002 के अंदर। आगे दोस्तों, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? तो दोस्तों ये किया था वाटर जी रोशन ने 1986 के अंदर, ठीक है, 1986 में दोस्तों इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहां स्थित है? तो दोस्तों ये है चेन्नई के अंदर। कहां पर है दोस्तों? चेन्नई के अंदर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय। आगे दोस्तों, रेड डाटा बुक क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची, इसको दोस्तों रेड डाटा बुक बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें दोस्तों। आगे, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो दोस्तों ये है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा दोस्तों रेड डाटा बुक निकाली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, IUCN का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों ये है ग्लेन, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए स्विट्जरलैंड के अंदर है दोस्तों IUCN का मुख्यालय। आगे, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो दोस्तों ये की गई थी 1966 के अंदर। कब प्रदर्शित की गई दोस्तों रेड डाटा बुक? 1966 के अंदर पहली बार। आगे दोस्तों, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो दोस्तों ये रंग है पिंक। ठीक है दोस्तों, लाल रंग से नहीं दिखाया गया दोस्तों, पिंक रंग से दिखाया गया है रेड डाटा बुक में। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों 2011 से 2020 तक दोस्तों ये दशक बनाया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जैव विविधता दशक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। आगे दोस्तों, रामसर संधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है आर्द्र भूमि संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आर्द्र भूमि संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है दोस्तों रामसर संधि। आगे दोस्तों, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। आगे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें दोस्तों। आगे है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इनको लाइटली ना ले, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़े दोस्तों। और दोस्तों जो अच्छे क्वेश्चन है उनको, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूं, उनको नोट डाउन भी करें अपनी कॉपी के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 अक्टूबर को। आगे दोस्तों, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता है? तो दोस्तों 7 से 8% भारत में विश्व की दोस्तों जैव विविधता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। आगे, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। ठीक है, अंडमान निकोबर पोर्ट ब्लेयर के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। आगे दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों ये थे अंश हेकल ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? अंश हेकल ने। ठीक है, आगे दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया था एजी ट्रांसले ने। किसने किया था? एजी ट्रांसले ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों ये किया था एडवर्ड सुएस ने। किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने किया था बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग। आगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये 1973 के अंदर शुरू किया गया था भारत में टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। दोस्तों ये 1921 के अंदर दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। आगे दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है राजीव गांधी नेशनल पार्क। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कर्नाटक में है, जो उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों, केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है जंगली हाथियों के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए है? जंगली हाथियों के लिए, केरल का पेरियार अभयारण्य। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था 1971 के अंदर। ठीक है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। आगे दोस्तों, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों ये है लोकटक झील, मणिपुर के अंदर है दोस्तों लोकटक झील, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। आगे दोस्तों, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राज्य है उत्तराखंड, जहां पर नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश के अंदर। शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आगे दोस्तों, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों ये 1992 के अंदर शुरू की गई थी हाथी परियोजना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है भारतीय सारंग के लिए, राजस्थान में दोस्तों भारतीय सारंग के लिए। ठीक है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। आगे दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों सर्वाधिक संख्या जीव अभयारण्य के कहां पर है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे दोस्तों, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो दोस्तों ये है राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो दोस्तों ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में स्थित केइबुल लाजमाओ नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी है दोस्तों? द ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। आगे, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है पौधारोपण से। किससे दोस्तों? पौधारोपण से संबंधित है हरेला पर्व। ठीक है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, दो भिन्न समुदायों के बीच सहक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है दोस्तों दो विभिन्न समुदाय के बीच सहक्रांति क्षेत्र, इकोटोन। आगे दोस्तों, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो दोस्तों ये है यूकेलिप्स, और दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा है। ठीक है, यूकेलिप्स जल स्तर घट जाता है, और दोस्तों निकट की भूमि की उर्वरकता जो है वो शक्ति घट जाती है। आगे दोस्तों, पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है ये किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है दोस्तों ये किसका नारा है? तो ये है दोस्तों चिपको आंदोलन का, जो दोस्तों स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है दोस्तों, और ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे दोस्तों, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता। ठीक है, आगे दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो दोस्तों ये है 50। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 50 है। आगे दोस्तों, वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है 18। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है दोस्तों भारत के अंदर? 18 है, ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो दोस्तों 36 हमारे स्थल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुके हैं, तो 36 हो जाएंगे। आगे दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों 103 राष्ट्रीय उद्यान है भारत के अंदर। ठीक है, वर्तमान के अंदर। आगे दोस्तों, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट है सबसे धनी स्थल जैव विविधता की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो दोस्तों यह है सुंदरवन
पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन के अंदर। आगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है चाइना। कौन करता है? चीन करता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखें दोस्तों। आगे है, डाब्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने में डाब्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, डाब्सन इकाई का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। और दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों ये न्यूज़ सुनने में आ रही है कि जो हमारी ओजोन की परत है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। जो होल हो गया था दोस्तों वो अब हमारा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट आपके फ्लोरा और फोना से, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और RRB NTPC के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पहली बार चैनल पे आए हो तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियोस देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।